84 साल पुराना वो उछल रहा है, ये देखकर कि कितने अच्छे अच्छे नौजवान इस रेडियो के माध्यम में आकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है वो पुराना ज़माना जब मैंने शुरू किया था हिंदी ब्रॉडकास्टिंग, और वो इत्तेफाक से चल पड़ा बहुत जल्दी, जैसे ही आया हिट हो गया। और ये सारी जो इसके लिए जितनी तारीफ की जाए हिंदी फिल्मों के हिंदी गीतों को की कम होगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से सब वो ओरिजिनल ये मामला चल पड़ा रेडियो का। अब देखे गीत मारा, किसी को पता ही नहीं था कि कितना पॉपुलर होगा, लेकिन पहले ही प्रोग्राम में उसके लिए 9000 लेटर्स आए, और बढ़ते बढ़ते एक साल में हर हफ्ते का जो मेल था पता है कितना था, 65,000 एवरी वीक वी यूज़ टू गेट 65,000 लेटर्स। और उस इतना ज़्यादा वो हो गया कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज, यानी दफ्तर में सारे जितने वो थे टेबल और कुर्सियाँ वो सब लेटर्स से भरे हुए पड़े रहते थे, क्योंकि चूँकि कंपटीशन का था वो, इसलिए हम लोगों को 3 हफ्ते कम से कम ठहरना पड़ता था, वो लेटर फेंक नहीं पाते थे। तो फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि भाई ये कट करो कंपटीशन और सीधा साधा हिट परेड ले आओ। तो हिट परेड आ गया, और हिट परेड जब आया तो वो भी धूम मचाने लगा, और रेडियो सिलोन का जो ब्रॉडकास्ट था, ट्रांसमिशन था, वो कोलंबो से होता था, और कोलंबो से वो पहुंचता था करीब सारी दुनिया में, तो बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे मुल्कों में गीतमाला भी और रेडियो सिलोन के और प्रोग्राम भी पॉपुलर हुए, बहुत चले, बड़ा मज़ा आया, काफ़ी धूम मची, बड़े प्यार से लोग इसको पाने लगे, अपने आप में जज्ब करने लगे, और मैं भी एक छोटा मोटा ब्रॉडकास्टर चल पड़ा, तो बस चल पड़ा, वरना मैं तो हिंदी भी मैंने बड़ी देर में सीखी, हिंदी उर्दू। शुरू में मैं गुजराती स्कूल में पढ़ा मैंने, और जिसमें अंग्रेज़ी भी थी, इंग्लिश ब्रॉडकास्टर भी बन गया मैं मेरे बड़े भाई हमीद की वजह से, लेकिन हिंदी ब्रॉडकास्ट में कदम रखते रखते बड़ी देर लगी, बहुत मुश्किल से आया मैं, लेकिन एक बार वो बिना का गीतमाला आया प्रोग्राम, बस बात बन गई। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज ये इतने अच्छे प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया, इतना अच्छा, इतने अच्छे प्राइज़ विनर्स, हालांकि पूरे प्रोग्राम स्पॉट्स नहीं बजाए गए, लेकिन पता लगा मुझे कैप्शन से कि वाकई बहुत ही अच्छे होंगे, और इन सारे नौजवानों को, इन सारे विनर्स को भी, और जो नए भी आए हैं विनर्स में, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत गुड विशेस, कि जीते रहो, जोर में शोर मचाते रहो, और रेडियो का नाम हमेशा बुलंद रखो। थैंक यू। माय एडवाइस फॉर द न्यू स्पीकर्स, द न्यू रेडियो पीपल, इज टू यूज़ रेडियो एज अ थिंग ऑफ द हार्ट। Remember that radio is a medium which you can not just hear, but you can see it. Because the better you explain to the words that you use, the technique that you use, you should be very clear that it's coming from your heart. It's not just an automatic thing. Like sometimes these days you have these spot announcements saying nam nam ni ni very so fast that you can't even understand what it is selling. So, but some of the radio stations are absolutely tops, and there are lots of youngsters, hamare zamane mein jitne nahi the, but today
There are lots of youngsters who are coming up, and to see them, I'm feeling a little young too, at the age of 84. Thank you very much, friends. God bless you all, and lots of luck to all of you.